अभी तक हम इस मॉड्यूल पे काम कर रहे थे कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, लेकिन किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। अरे एजुकेशन हम किस बात के लिए दे रहे हैं? यदि एक गरीब का बच्चा उस एजुकेशन को पढ़ने के बाद से उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हो पा रहा है, समाज को कुछ दे पाने लायक भी नहीं हो पा रहा, अपने परिवार को भी कुछ दे पाने लायक नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयड घूम रहा है बाजार में, उस एजुकेशन का क्या फ़ायदा है? हमें एजुकेशन को उत्पादकता से जोड़ना पड़ेगा, यूटिलिटी से जोड़ना पड़ेगा। यदि किसी यूटिलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है तो एजुकेशन बेकार है। हमारे एक मित्र हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं, फिलासफी के प्रोफेसर, 30 साल से पढ़ा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप इस फिलासफी को पढ़ करके बच्चे क्या फ़ायदा करेंगे, उनको कौन सी नौकरी मिलेगी, कौन सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप कभी ये बच्चों को बताते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं है। यदि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ये कह रहा है कि हम एक शिक्षा जो दे रहे हैं उसकी उपादेयता क्या है, वो हमारा काम नहीं, किसका काम है भाई? हम उस प्रोफेसर से पूछना चाहते हैं कि आप फिर कौन बताएगा? और यदि इसकी कोई उपादेयता नहीं, तो इस पाठ्यक्रम को बंद करिए। क्यों?